आ चुके हैं भाई टाइगर 3 के एक और न्यू एपिसोड में वापस। जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं भाई। जैसे जैसे रिलीज डेट है वो क्लोज आती जा रही है, तो वैसे वैसे यार कुछ तो कुछ भाई न्यूज़ निकल के सामने आ ही जाती है और माहौल भाई अगेन गर्म हो जाता है। सबसे पहले वो साउथ में जो हिंदी वर्जन लगने वाला है इंग्लिश सब टाइटल्स के साथ लगेगा, जो कि गाइज ये भी एक बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। एंड ओवरसीज में एक दिन पहले रिलीज करना, ये भी एक बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। और कल आफ्टरनून में जब मेकर्स ने पोस्टर शेयर किया कि ट्रेलर स्टार मतलब टेलीविजन में हर एक स्टार के चैनल में आ रहा है, तो गाइस ये भी एक प्रमोशन का भाई अलग अलग यहाँ पे तरीका अपना रहे हैं मेकर्स। बाकी कुछ ना कुछ भाई नया था वो डाल ही रहे हैं। एंड अब गाइस जो बड़ी न्यूज़ है वो निकल के सामने आ रही है। इससे पहले देखो हमें पता है कि टाइगर के साथ साथ इसमें पठान का एक छोटा सा कैमी होगा, नो डाउट भाई आसार के इसमें होंगे ही होंगे। वट गाइस जो अभी बड़ी न्यूज़ है गाइस वो निकल के सामने आ रही है कि इसमें वार के यानी कि ऋतिक रोशन यानी कि कबीर का भी छोटा सा कैमी होगा। जी गाइस आपने बिल्कुल सही सुना, इसमें कबीर का भी छोटा सा कैमी हुआ है गाइस वो रहने वाला है। तो मैं यार ये क्या मतलब कि मैं तो शॉकिंग हो गया, अरे मेरे भाई यहाँ पे पठान होंगे, मेरे भाई यहाँ पे टाइगर होंगे, यहाँ पे कबीर भी होंगे, मतलब कि तीन बड़े सुपरस्टार। और ये तीन ऐसी मूवीज, चलो टाइगर को छोड़, टाइगर तो अभी आ रही है, मतलब कि पठान 50 करोड़ से ज़्यादा ओपनिंग, वार 50 करोड़ से ज़्यादा ओपनिंग, और अब आ रहा है भाई टाइगर। मतलब जब ये ओल्ड हो गया, जब टाइगर जिंदा वो आया था वो ओल्ड हो गया, अब नया 23-24 के टाइम अभी चलना स्टार्ट हो चुका है। तो अब तीनों एक साथ आएंगे तो यार 50 करोड़ तो छोड़ो, 50 करोड़ से काफ़ी ज़्यादा आगे जाएगी ये गाइस मुझे लग रहा है। जिस तरह भाई अभी देखो, अभी फिलहाल तो मेकर्स ने तो हाइट रखने की कोशिश की है, फिलहाल ये कंफर्म भी नहीं है कि भाई वो इसमें होंगे या नहीं होंगे, लेकिन 60-70% भाई चांसेस हैं कि इसमें कबीर भी होंगे। मानना पड़ेगा भाई मेकर्स को भी अपनी तरफ से भाई उन्हें पूरी ताकत लगा दी है, किसी भी हालत में भाई ये मूवी 1,000 करोड़ से नीचे नहीं रुकनी चाहिए। और वो पूरी ट्राई गाइस वो कर रहे हैं और प्रमोशन बाप लेवल का कर रहे हैं। वैसे भी यार YRF के बेच रहे हैं तो कोई यहाँ पे डाउट ही नहीं रहता कि प्रमोशन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, मतलब आगे थोड़ा कम होगा, ऐसा कर सकते थे, ऐसा कोई वर्ड यूज़ कर ही नहीं सकते। तो भाई देखते हैं, अब हमें पता ही चल ही जाएगा बस यार बाहर दिवाली में कि इसमें हैं वो या फिर नहीं है। वैसे गाइस इसमें आप सभी का क्या कहना है कि अगर होंगे तो कितना बेनिफिट मिल सकता है, या फिर नहीं भी होते तो गाइस तब भी चलता, क्या कहना, क्या ओपिनियन भाई बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी गाइस टुमारो को प्रॉपर तरीके से भाई एडवांस ओपन हो रहा है, तो भाई रेडी हो जाओ एडवांस में, देखते हैं भाई किस तरह रफ्तार पकड़ती है। स्टार्टिंग से जो हमने जवान पठान के टाइम देखा था, तो क्या भाई उसी तरह ये रफ्तार पकड़ेगी स्टार्टिंग से, या फिर मामला थोड़ा धीरे धीरे जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो फिलहाल गाइस अभी के तो इतना ही, एंड आई होप वैसा अभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी गाइस जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब क्या कर रहे हो यार, जल्दी से करो सब्सक्राइब। बाकी गाइस मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, बस भाई डे वाइज एडवांस बुकिंग एपिसोड आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा, तो नेक्स्ट एपिसोड एडवांस का ही होगा। तब तक के लिए।